क्या आप जानते हैं स्पोकन इंग्लिश में इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कब करना है? ये एक बहुत कॉमन टॉपिक है जिसे आपको अक्सर इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कई बार आपको अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां आप कहते हैं, मैं किसी इंसान की बेवकूफी पर बहुत हैरान था, या बहुत आश्चर्य में था, या बहुत हैरत में था। तो इस तरह के सेंटेंसेस, मैं हैरत में था, या मैं हैरान था, या मैं आश्चर्यचकित था को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। आइए इस बात को एग्जांपल्स में समझें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। मैं उसकी बेवकूफी पर हैरान था, या आश्चर्यचकित था, या हैरत में था। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे, आई वॉज एस्टोनिस्ड एट हिज फुलिसनेस, यानी मैं उसकी बेवकूफी पर हैरान था, या हैरत में था, या आश्चर्यचकित था। मैं इस बात पर हैरान था, या आश्चर्यचकित था, या मैं इस बात पर हैरत में था। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे, आई वॉज एस्टोनिस्ड एट दिस मैटर, यानी मैं इस बात पर हैरत में था, या आश्चर्यचकित था। मैं उसके भाषण पर आश्चर्यचकित था, या हैरत में था, या हैरान था। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे, आई वॉज एस्टोनिस्ड एट हिज स्पीच, यानी मैं उसके स्पीच पर हैरत में था, या आश्चर्यचकित था। मैं उन लोगों के फैसले पर आश्चर्यचकित हूँ, या हैरान हूँ, या हैरत में हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे, आई एम एस्टोनिस्ड एट देयर डिसीजन, यानी मैं उन लोगों के डिसीजन पर हैरान हूँ, या हैरत में हूँ, या आश्चर्यचकित हूँ। मैं उसकी कड़ी मेहनत पर आश्चर्यचकित हूँ, या हैरत में हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे, आई एम एस्टोनिस्ड एट हिज हार्ड वर्क, यानी मैं उसकी मेहनत पर आश्चर्यचकित हूँ, या हैरत में हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया, कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहाँ कहें, कोई इंसान किसी बात को लेकर हैरत में है, या आश्चर्यचकित है, या हैरान है, तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस को बोलेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।